कॉटन कैंडी जिसको हम सब बुढ़िया के बाल भी कहते हैं। तो क्या हुआ जब कॉटन कैंडी को फ्रूटी जूस की मदद से बनाया गया तो जो नतीजा निकला उसको जानने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब तो ठोक के जाओगे। तो सबसे पहले फ्रूटी जूस को सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए उन्होंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर बहुत सारी फ्रूटी जूस को डाल के नीचे आग जला दी और काफी देर गर्म होने के बाद यह सॉलिड फॉर्म में आ गई। और फिर कॉटन कैंडी बनाने वाली मशीन लगी और उसके अंदर फ्रूटी का रस डाल के मशीन चला दी गई और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काफी सारी कॉटन कैंडी बना ली। लेकिन जब इन्होंने खा के चेक की तो इसका जायका बहुत ही खराब था। वैसे आपने कभी कॉटन कैंडी खाई है? कमेंट सेक्शन में लिखना तो बोलिए।